विषय को दबाया जा रहा है, ज्वलंत विषय को दबाया जा रहा है, बुराइयों को छुपाया जा रहा है। अरे हम युवा ही तो हैं इस देश की बुनियाद, और हमारे ही भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। सम्मानित निर्णायक मंडल, समस्त अनुभवी जन, शिक्षक साथियों तथा मेरे सभी पक्ष एवं विपक्ष साथी, नमस्कार। मैं कशिश चौहान, कक्षा 11 की छात्रा, आज नेहरू सदन का लेखन पकड़ते हुए अभी भी के विपक्ष में अपने विचार रखने के लिए करते हूँ। यूं तो अभी मेरे पक्ष विपक्षीय साथी ने बहुत ही बखूबी अभी क्या है, उसके क्या फायदे हैं इसे था, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जरा आप बताइए, उन्होंने कहा कि जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें 11 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पूछना चाहूंगी कि क्या 11 लाख रुपए से आप अपना पूरा जीवन काट लेंगे? क्या एक प्रमाण पत्र के दम पर 75% युवाओं को आप रोजगार दे पाएंगे? ये बात कहने में जितनी आसान है, यदि व्यवहारिक रूप से आप उसे देखेंगे तो ये उतनी ही मुश्किल है। या तो मेरे विपक्षी साथी तर्क को समझना नहीं चाहते हैं, या फिर समझ नहीं रहे। ये देखने में जितना सही लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। साथ ही साथ मेरे विपक्षी साथी ने अभी एनालिटिक पेंशन की बात उठाई कि पंजाब में इसे बैन किया है। आप ये बताइए, जब अग्निवीर जैसी योजना को आप पूरे राष्ट्र स्तर पर लागू कर रही है, तो क्यों एनालिटिक पेंशन को केवल एक राज्य में लागू कर रही है? जरा विचार कीजिए इस पर। और साथ ही साथ अग्निवीर में जो युवा हमारे जाएंगे, उनका कहीं ना कहीं, आप सभी अनुभवी जन हैं, मैम आप भी मनोवैज्ञानिका हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि जब वो लोग आर्मी में जाएंगे तो उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी। उनमें से हर कोई व्यक्ति 25% में आना चाहेगा, और इससे आर्मी में आपसी सहयोग की कमी होगी, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली है उस पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ईर्ष्या की भावना आना तय है। इस बात को समझना होगा। और साथ ही साथ जो 75% युवा उसमें से निकाले जाएंगे, जब वो बाहर आएंगे तो वो या तो कोई निम्न वर्ग की जॉब करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना एजुकेशनल क्वालिटी नहीं होगा। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन की परेशानी तन को बीमार बना देती है, मन की परेशानी तन को बीमार बना देती है, गुलशन हुए बाप को वीरान बना देती है। किसी बेरोजगार को क्या समझा रहे हैं आप शिक्षा की नीति? किसी बेरोजगार को क्या समझा रहे हैं आप शिक्षा की नीति? अरे पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है, पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। विचार कीजिए, यही विचारों के साथ अपनी वाणी को मिला।